हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी, वेलकम टू Learnify। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर की। यह चैप्टर आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक जो आपका न्यूमेरिकल जरूर इस चैप्टर से आता है, वो न्यूमेरिकल आपका बेस होता है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मास डिफेक्ट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमको ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, जो हमें हेल्प करता है ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में आपको बताया था कि एटम जो होता है उस एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो आपका सेंटर वाला पार्ट है न्यूक्लियस है, इस चैप्टर में पूरी तरह से न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें आपके दो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और जो आपका न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि दोनों आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जैसे कि आपके दो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इसी के बेसिस पे जो आपका प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा कि प्रोटॉन पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। यह याद रखिएगा यहां पर कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन और ये आपका क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि जो आपका प्रोटॉन का जो मास होता है उतना ही क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन का मास होता है, यानी कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जितना आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज आपका किस पे होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया x, ठीक है। यहां पे x को भी एक एलिमेंट हो गया। यहां पे जब मैं किसी एलिमेंट को एक्सप्रेस करता हूं तो वहां पे मैं हमेशा यहां पे z और यहां पे a यूज करूंगा। यहां पे जो z का मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर, यहां पे z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, जबकि a है इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो यहां पे आपके दो तरह के टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक आपका यूज हो रहा है एटॉमिक नंबर और एक हो रहा है आपके मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जबकि आपका जो क्या होगा, मास नंबर होगा, मास नंबर जो होता है वो आपका हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होगा उन दोनों के जो नंबर्स होंगे वो आपका क्या होगा, मास नंबर होगा, यानी ए हो जाएगा आपका। जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सीधे वन मास में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे सपोज करिए आपसे बोल देगा कि कॉपर, जैसे सपोज करिए सोडियम दिया हुआ है 1123, इस तरह से आपको एक एलिमेंट दे देगा। इस एलिमेंट को पूछेगा कि इसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इस वाले सिंबल से। तो यहां पर जो नीचे वाला एलिमेंट होता है ये क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका 11 यानी जो एटॉमिक नंबर है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये जो आपका मास नंबर है इस मास नंबर यानी कि ए में से क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। जैसे आप क्या करेंगे, 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 आएगा, जो क्या है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज यहां पर याद रखनी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो आपका कितना होता है 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा बिकॉज ये जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। जो भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनका जो मास होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इनका मास को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट या डिफरेंट टाइप की यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे, 1 AMU जो होता है वो आपका इक्वल होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। जो आपका कार्बन एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है उस कार्बन एटम के मास का 1/12 जो होता है वो आपका क्या होता है 1 AMU। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम। तो ये जो आपका है 1.67 इंटू 10^-27 है इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं 1 AMU या फिर 1 U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप क्या करें कैलकुलेशन देखेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड वो सारे कैलकुलेशन में क्या होगा आपका जो मास होगा वो क्या होगा AMU या फिर यूनिफाइड यूनिट में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे याद रखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आइसोटोप्स आइसोबार और आइसोटोन्स की। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आइसोबार्स। तो बहुत सिंपल है, आइसोबार्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं आप जानते हैं कि 6C14 ठीक है आपका एक कार्बन होता है, कार्बन का एक एलिमेंट होता है आइसोटोप होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6C14 मतलब 6 क्या है एटॉमिक नंबर और 14 क्या है इसका मास नंबर है। आप जानते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन होता है उसका कितना होता है 7N14। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहां पे क्या दोनों आपके डिफरेंट है बट यहां पे मास नंबर क्या है यहां पर सेम हो गया। तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। इसी तरह से आपका दूसरा आता है वो होता है आपके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हो गया, आइसोटोप्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी यहां पर क्या होगा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट यहां पर मास नंबर डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहां बात करते हैं 1H1 1H2 1H3। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। यहां पर देखिए इनका एटॉमिक नंबर क्या है यहां पर सेम है बट मास नंबर 1, 2 और 3 यहां पे मास नंबर क्या है डिफरेंट है। तो ये सब आप क्या हो जाएंगे आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आइसोटोप्स में आपका 1s3 है इसे क्या बोलते हैं ट्राइटियम, 1s2 क्या बोलते हैं ड्यूटियम और जो आपका 1h1 है इसे क्या बोलते हैं लाइट हाइड्रोजन या नॉर्मल जो आपका हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग 1h1 बोलते हैं। ये आपका ड्यूटियम और ये आपका ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड जो चीज आती है वो होता है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब हो गया कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोल जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछा ही जाता है तो आप याद ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बट आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करेंगे दो एलिमेंट दे देंगे और दो एलिमेंट आपसे पूछेगा कि ये आपके आइसोटोप्स हैं आइसोबार्स हैं या आपके आइसोटोन्स हैं। तो आप क्या करेंगे वहां पर चेक कर लेंगे अगर सेम एटॉमिक नंबर हुआ तो आपका आइसोटोप हो जाएगा, सेम मास नंबर हो गया तो आपका क्या होगा आइसोबार्स हो जाएगा और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे उस केस में क्या होगा आपका आइसोटोन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और टर्म आता है जो होता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा
कोई भी आपका जो एटम होता है, अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका एटम न्यूट्रल है तो उसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिकली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किसी भी एटम का जो आपका न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है यानी आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर की पावर 1/3 का। यानी कि आपको याद रखना है कोई भी अगर आपका एटम है तो उसकी जो रेडियस होती है, उसके न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो उसके मास नंबर पर डिपेंड करती है। यानी आपका जो आर हो गया वो आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास नंबर जो है आपका ए उसकी पावर 1/3 के। जैसे आप यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका एक कॉन्स्टेंट यूज होगा, दैट इज आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आपका हो जाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जो आर नॉट है ये आपका एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखेगा आपका 1.2 एफएम होती है। यहाँ पे एफएम का मतलब होता है फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी मीटर क्या होता है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है जिसकी वैल्यू होती है 1 फर्मी मीटर इक्वल टू होता है आपका 10^-15 मीटर, ठीक है। तो आपको जो आर नॉट की वैल्यू याद रखनी है, इसके अगर आप इसका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट की रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको क्या करना है, आपका सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का मास नंबर कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। आपको उसकी रेडियस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सीधे आर नॉट जो आपका कितना है 1.2 × 10^-15, इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने, ए की पावर 1/3, यानी आपका क्या हो जाएगा 23 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो क्या करेंगे आप, 23 का क्यूब रूट निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो आर नॉट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या करेगा, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि दोनों की रेडियस का रेशियो कितना है, ठीक है। तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो है R1/R2 = A1/A2 की पावर 1/3। ये जो आपका फॉर्मूला है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। एक्चुअल मास डिफेक्ट होता क्या, देखिए आपको याद रखना है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस आपका बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोटॉन का मास है प्लस न्यूट्रॉन का जो मास है वो आपका न्यूक्लियस के मास से इक्वल होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, जो आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्या होता है कि जैसे आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को आप ऐड करोगे तो वो क्या होगा, हमेशा आपका ज्यादा आएगा, किससे ज्यादा आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास होता है वो इंडिविजुअल मास हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि मास में कुछ कमी हो रही है, ठीक है। यहां पर यानी इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है, 2 है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन सपोज कीजिए भी कितना है, 2 है। तो 2+2 आपका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बट आपका जो न्यूक्लियस बना उस न्यूक्लियस का मास सपोज कीजिए आया है 3, ठीक है। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका 1 डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो मास डिफेक्ट होता है, ये मास डिफेक्ट और कुछ नहीं है, बस का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आता है। जो डिफरेंस है इनके बीच में, जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। इस मास डिफेक्ट को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही यूज करके आप बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका सीधे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल डेफिनेशन पूछता है और फॉर्मूला पूछता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, डेल्टा एम का मतलब हो गया मास डिफेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ब्रैकेट में माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो स्मॉल एन है ये स्मॉल एन क्या होगा, न्यूक्लियस का मास, ये जो पी वाला टर्म ये आपका प्रोटॉन का मास हो गया, और जो कैपिटल एन है ये आपका न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सपोज करिए जानते हैं कि यहां पे कोई एलिमेंट लिया मैंने एक्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया जेड, और जो इसका मास नंबर हो गया वो कितना हो गया ए।
तो अगर देखिए आपको पता होगा कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, लेट मास ऑफ वन प्रोटॉन वो कितना हो गया आपका एम पी हो गया, ऐसे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो है आपका ये हो गया आपका एम स्मॉल है, ठीक है। और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ये आपका हो जाएगा एम कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए यहां पर क्या है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, जेड हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जेड एम पी, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास अगर आपका एम पी है तो ऐसे जेड प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड एम पी हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखिए आपका एक न्यूट्रॉन का मास आपका एम एन दिया हुआ है, तो एक न्यूट्रॉन का मास आपको पता है, तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे हो जाएंगे ए माइनस जेड, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा यहां पर ए माइनस जेड, ये आपका हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन विच इज एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट का। तो आप क्या होगा इस टाइप कोई भी क्वेश्चन दे देगा, सपोज कर मैं जो एग्जांपल दे रहे हैं सोडियम का, इसमें आपको इस तरह का दे दिएगा और आपको कहा गया कि इसके लिए फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, या फिर आप क्या करेंगे यहां पर आपको एम पी की वैल्यू दे देगा, एम एन की वैल्यू दे देगा और मास ऑफ न्यूक्लियस दे देगा। उस केस में आपको क्या करना है, आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना होगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको यहां पे याद रखना है। तो अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो उससे पहले आप समझिए आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशन होता है वो क्या होता है, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी आपकी बॉडी है उस बॉडी अगर मास में कोई चेंज हो रहा है तो जो मास में चेंज होगा वो आपका एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सपोज करिए आप लकड़ी लेते हैं, उस लकड़ी को आपने एक किलोग्राम लकड़ी लिया, उस एक किलोग्राम लकड़ी को आपने जलाया, जलाने से क्या होगा आपको हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी कहां से मिल रही है, जो लकड़ी आपकी जल रही है, यानी लकड़ी का जो मास है वो मास आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो आपका आइंस्टाइन इक्वेशन है वो क्या करता कहता है, जहां पे भी मास में चेंज होगा वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपको अभी बताया मैंने कि जो मास डिफेक्ट होता है उस मास डिफेक्ट में ये चीज क्लियर हो गई कि क्या होता है कि जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपका न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आता है, यानी कुछ ना कुछ मास चेंज होता है। तो इसी मास चेंज की वजह से क्या होगा, जो आपकी यहां पर एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो याद रखिएगा आपका जो मास डिफेक्ट है उस मास डिफेक्ट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से जो न्यूक्लियस बनता है उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है यूज होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को सप्लाई करने पे न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेपरेट हो जाता है, मतलब आप क्या करें उतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिफेक्ट विच इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन से ही आता है, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे एक चीज और याद रखेगा, इससे जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है आपकी किसमें, जूल में, बट आप यहां पे कभी भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वहां पे आप क्या करेंगे दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो क्या होगा आपका, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा और सीधे आप क्या करेंगे उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखेगा कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13
जूल के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेगा, यहाँ पर डेल्टा एम जो है यानी जो मास डिफरेंट आपने निकाला है वो मास डिफरेंट किस में निकाला है आपने, ए एम यू में। अगर आपका क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मास जो है वो आपका ए एम यू में दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट कहीं पर अगर आपका जो मास है वो अगर आपका किलोग्राम में दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। पहले जो न्यूमेरिकल्स आते थे वहां पे क्या होता था कि किलोग्राम में मास देता था तो आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते थे, बट जो आजकल जो न्यू वे हो गया है न्यूमेरिकल्स का उसमें क्या करा गया है कि वहां पे आपका बेसिकली सारे क्वेश्चन में आपका जो मास होता है वो ए एम यू में दिया रहता है तो आप वहां पे सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ा। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ये इसका आपका एग्जांपल है जो है आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके बाद आपको बात करनी है आइसोबार्स की, आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पर देख पा रहे हैं मास नंबर आपका सेम है एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और 7 और यहाँ पे क्या है 3 माइनस तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और यहाँ पे क्या है 2 माइनस यानी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 10 हो गए और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो इस केस में क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसके बारे में बात करते हैं आइसोटोन्स की, आइसोटोन्स में क्या था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हैं 23 में से आप 11 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12 और 24 में से आप 12 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 12। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है यहां पर सेम है तो इसे क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने बताया आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 जहां पे a का मतलब होता है मास नंबर और यहां पे जो r नॉट है ये आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये आपके r नॉट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी मास डिफेक्ट की जिसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मास डिफेक्ट क्या होता है जेड एम पी, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एम पी मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस ए ए मतलब मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, एम एन का मतलब हुआ मास ऑफ वन न्यूट्रॉन एंड एम कैपिटल एन का मतलब हुआ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका हो गया मास डिफेक्ट। इसके बाद हमने बात करा था बाइंडिंग एनर्जी, जहां बाइंडिंग एनर्जी के हमने दो फॉर्मूले देखे, पहला फॉर्मूला क्या था आपका डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर जो कि आपका आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशन से आया था, इस वैल्यू में आपको सी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका जो डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट जो होगा वो आपका किलोग्राम में दिया रहेगा और जैसे आपका क्या होगा मास डिफेक्ट आपका अगर एएमयू में दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻³ जूल, ये होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।